नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन। तो मित्रों, जैसे कि आज सोमवार है और हमने ऐसा निर्णय लिया है कि आप सभी भाई लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हम यहां से देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, कुछ सवाल आए हैं और कुछ हमने फेसबुक से उठाए हैं, जिस तरीके से सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज और हमारी वैदिक सनातन सभ्यता या वैदिक सनातन जो धर्म है हमारा उसके खिलाफ या उनसे क्वेश्चन पूछने वाले लोग या फिर अपनी तरफ से सिर्फ घोषित कर देते हैं जो लोग के हमारे वैदिक ग्रंथों में ये गलती लिखी हुई है, वो गलती लिखी हुई है, श्री गीता जी में ये लिखा हुआ है, वेद पुराण छांदोग्य उपनिषद में ये लिखा हुआ है या सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है, दर्शनों में ये है, वेदों में ये है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लोग अपने आप से ही लिख लिख कर भेज देते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम हर सोमवार को अपना एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, तो उसमें हम उनके आंसर्स देने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो है मेरे पास में सुबोध जी का। तो सुबोध जी ने पूछा है कि क्या हम बंदर थे ऐसा वेद मानते हैं, और ऐसा कौन से दर्शनों में है कि हम बंदर थे अगर हम पूरी वैदिक सभ्यता के ऊपर ही बात करें। तो मैं आपको इसके बारे में एक पूरा का पूरा एक एपिसोड मैंने बनाया हुआ है, वो जल्दी मैं पोस्ट करूँगा, अभी सीरीज़ में है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि मनुष्य हमेशा से मनुष्य ही था, और हम इसीलिए बोलते हैं कि हम देवपुत्र हैं, हम ऋषि पुत्र हैं, हम बंदर पुत्र नहीं हैं। और वानर एक अलग ब्रीड है, इंसान एक अलग ब्रीड है, और इनका आपस में कोई भी पूर्वजों का कोई भी आपस में सरोकार नहीं है। बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ जो भी इस तरीके की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब बंदर से इंसान बनना शुरू हुआ था तो वो कौन सा समय था जब बंदर से इंसान बनना बंद हो गया था? क्योंकि आज भी बहुत सारे बंदर हैं जो अभी तक भी बंदर ही हैं, वो इंसान नहीं बन रहे हैं। तो या तो कुछ ऐसा रहा होगा कि मतलब एक लॉटरी सिस्टम निकला होगा कि उस समय के जितने भी बंदर थे और उनके सबके सामने एक लॉटरी के लिए कलश रख दिया गया होगा, हाथ डाल के उसमें जिसके सामने भी आ गया लॉटरी में कि इंसान बनना इसकी किस्मत में है, तो उसको इंसान बना दिया गया होगा, बाकी को बंदर रहने दिया हो गया होगा। नहीं तो अगर हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से देखें, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बंदर से इंसान बनना शुरू हुआ था, तो वो एरा के बाद अभी भी कम से कम कहीं ना कहीं तो कुछ तो हिस्सा बचा होना चाहिए था ना, कि वो भी अब उत्तरोत्तर बंदर से इंसान बनते चले जा रहे हैं, तो वैसा देखने में नहीं आता है। तो ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूरी सीरीज़ मैं बाद में लेके आऊँगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक इतना काफ़ी है, और वैदिक प्रमाणों की बात है तो हम वैदिक प्रमाण भी इसके साथ ही साथ देंगे। दूसरी मेरी बात ये रहती है साथ ही साथ कि चीज़ों को समझने के लिए हमको अपने स्तर पर प्रैक्टिकली जितना साधारण तरीके से हम बात कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। प्रमाण और या फिर उनसे संबंधित मंत्र हैं या श्लोक हैं या जो भी कुछ है वो एक डीप रिसर्च का काम होता है, लेकिन हम प्रथम दृष्टया किसी को किस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, मेरा पूरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको वो वाले आंसर्स देना मैं सिखाऊं। तो अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है वही श्री केशव जिनकी पिछली वीडियो में भी हमने बातचीत की थी। तो वो कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नियोग के बारे में लिखा है, तो नियोग तो एक सामाजिक बुराई है और समाज में इसको घृणित दृष्टि से देखा जाएगा। तो आप लोगों को बात तभी समझ आती है जब हम उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी आपको विद्वानों के लोगों की जो भी बातें हैं या वेद की बातें हैं, दर्शन की बातें हैं, उपनिषदों की बातें, वो बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ना मैं इसमें मनुस्मृति या चाणक्य नीति कुछ नहीं आपको बताऊंगा। बस मैं सिर्फ एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि शाहरुख खान का तीसरा बेटा हुआ है, बड़ी लड़की है, फिर लड़का है और फिर एक लड़का हुआ है, तो क्या उसकी जो माँ है वो गौरी खान है? एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुषार कपूर का भी एक लड़का हुआ है, तो क्या तुषार कपूर की शादी हो चुकी है? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आज भी गोद किराए पर ली जाती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नियोग के बारे में जो बताया है वो एक विशेष स्थिति होती थी, क्योंकि जब मनुष्य संतान उत्पत्ति करना चाहता है परंतु या तो उसकी
जो पत्नी है वो संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं है, अथवा पति जो है वो संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं है, तब उन्होंने नियोग का ये रास्ता अख्तियार करने के लिए बोला था। आज भी हम देखते हैं यदि स्त्री को संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रही है, वो किसी प्रकार से फर्टाइल नहीं है, तो भी उस समय हमको अंडा बाहर से लेना पड़ता है और उसको निषेचन करा कर ही बच्चों को जन्म देना पड़ता है। दूसरा विषय आता है, अगर हम बात करें कि कोई पुरुष अगर नहीं बच्चा पैदा करने में सक्षम है, तो उसके लिए भी बाहर से जो शुक्राणु है वो लिया जाता है, तब निषेचन क्रिया कराई जाती है और उसके बाद में बच्चा पैदा किया जाता है। तो अगर वही चीज़ इंग्लिश में हो रही है, वही चीज़ जिसको हम बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो वो बहुत अच्छा है। और अगर उसी को ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिस समय टेस्ट ट्यूब बेबी की उत्पत्ति के तरीके नहीं थे, अगर उन्होंने कह दिया कि नियोग द्वारा आप बच्चा पैदा कर सकते हो, संतानोत्पत्ति कर सकते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बुराई हो गई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था कि शौच आदि से निवृत्त होकर मिट्टी से हाथ धोने चाहिए। तो आपका सवाल ये भी बनना चाहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो बहुत ही गलत बात कही है, क्योंकि मिट्टी से हाथ धोना तो बहुत ही अनहाइजेनिक हो जाता है। तो मेरे भाई, उस टाइम ना तो डिटॉल था, ना उस टाइम पतंजलि का हैंड वॉश था, ना उस टाइम साबुन होती थी, और मिट्टी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि उसके अंदर जो पेस्टिसाइड आज के टाइम में डलता है, जो यूरिया डलता है, वो नहीं डलता था। उस समय अगर कोई शौच आदि के लिए भी जाते थे, तो पहले गड्ढा करते थे। बहुत सारी बातें हैं, कहाँ कहाँ तक खोल के बताऊँ मैं, तुमने फिर सत्यार्थ प्रकाश ढंग से पढ़ी ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना कि विरोध के लिए विरोध करना है, दैट्स इट। अगर मैं सच बात करूँ कि नियोग, तो मैंने अभी ये बताया है कि शाहरुख खान का जो तीसरा बेटा हुआ है, वो गौरी खान उसकी माता नहीं है, उसको जन्म देने के लिए कोई दूसरी महिला, उन्होंने कोख जिसको खरीदना बोलते हैं, उन्होंने लाखों करोड़ रुपए दिए हैं, कोक को खरीदा है। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगती है, तो भाई आपके लिए क्लैपिंग, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मातृत्व को, गोद को हम खरीद सकते हैं, पैसों में तोल सकते हैं, तो आपकी विचारधारा को सलाम है। और अगर आपको लगता है कि यदि मेरे परिवार की ही कोई स्त्री है जिसका कि पति मर गया है, यदि मैं हूँ या कोई और व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई है और उनको दोनों को संतान नहीं है, तो उनको आपस में संतानोत्पत्ति करने से मैं क्या हर्ज है, उनको क्या बुराई है, यदि उनको संतान चाहिए, तो आज के समय में भी मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। परिवार का दबाव होता है तो ऐसा करते हैं। जब एक विवाहित स्त्री अपने घर में आती है और उसको संतानोत्पत्ति नहीं हो रही होती है, क्योंकि उनका खुद का बेटा संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होता है, तो उनको शुक्राणु बाहर से भी लेना पड़ता है, तो उसमें उनको शर्म नहीं आती है, क्योंकि उनको संतान उत्पत्ति करनी है, क्योंकि उनको अपना कुल आगे बढ़ाना है। तो अगर संतानोत्पत्ति नियोग की स्थिति अगर आ भी जाती है, तो उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो उस टाइम उनके समागम की जो स्थिति है, समागम की स्थिति को आप तीसरे समुल्लास में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कितनी पवित्र भावना के साथ में समागम को स्थान दिया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और इसी में ही आपका दूसरा सवाल है कि पुरुष 48 साल का और स्त्री 24 साल की, तो क्या यह है पिता के तुल्य नहीं हो गया? अर्थात इनका कहने का अर्थ यह है कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पुरुष को 48 साल का होना चाहिए और जो उसकी भारी मतलब पत्नी हो वो 24 साल की होनी चाहिए। तो मेरे भाई फिर वही बात आती है कि आपने सत्यार्थ प्रकाश को ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर आप उसके थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य 24 वर्ष पर्यंत तक, ऐसा आदेश ब्रह्मचारी के लिए दिया गया है कि 24 वर्ष पर्यंत तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ऐसा मन में धारणा करनी है, ऐसा ध्येय करना है, और उसके बाद में मैं विवाह करूंगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ 24 वर्ष पालन करूंगा, और उसके बाद में 70-80 वर्ष तक जीऊंगा, वैसा मन में सुदृढ़ होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और विवाह करने के बाद भी, जिसको हम बोलते हैं ना, विवाह करने के बाद भी एक संयम, संयमित जीवन उसको जीना चाहिए, वैसा उसमें बताया गया है। वो जो 48 और 24 साल की जो आप बात कर रहे हो, वो कब बताई गई है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। पहला होता है वसु ब्रह्मचारी, जिसको 24 साल तक बोलते हैं, दूसरा होता है आदित्य ब्रह्मचारी, जिसको 36 साल तक, और तीसरा होता है रुद्र ब्रह्मचारी, जिसको हम बोलते हैं 48 साल तक। 48 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके, अखंड ब्रह्मचर्य, आपकी तरह मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि 48 साल का कोई बाप लगने लगेगा, आपने किसी के एक्चुअली आपने या तो किसी पूर्ण अखंड ब्रह्मचारी की शक्ल ही नहीं देखी आज तक अपने जीवन काल में, क्योंकि जो
48 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य होकर के जीता है, उस व्यक्ति के चेहरे पर आपसे ज्यादा तेज मिलेगा, चाहे आपकी एज 18 साल क्यों ना हो और आप असंयमित जीवन जी रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं। दूसरे, उसमें स्वामी जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि ब्रह्मचर्य करना है तो, और उसके बाद में शादी करनी है, तो 48 साल तक ही ब्रह्मचर्य करे। और 48 साल में उसको गिल्ली डंडा बजाने के लिए नहीं बोला है, 48 साल तक उन्होंने, 48 वर्ष पर्यंत तक उन्होंने वेदों का अध्ययन करना, वेद आदि जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन अध्यापन करने के लिए बोला है मेरे भाई। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि 24 वर्ष पर्यंत तक स्त्री को, यानी कि जो स्त्री है वो 24 वर्ष पर्यंत तक ही ब्रह्मचर्य करे, उसके बाद में ब्रह्मचर्य ना करे। उसके बाद में वो अगर विवाह करना है तो विवाह कर सकती है। यदि पुरुष को जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रखना है, विवाह बिल्कुल नहीं करना है, तो वो 48 के बाद में भी ब्रह्मचारी रह सकता है। उसके बाद में वो संन्यास ले सकता है, 50 साल की उम्र में संन्यास ले सकता है। यदि स्त्री की ऐसी स्थिति है तो वो भी कर सकती है। लेकिन अगर आपके मन में आ गया है कि विवाह करना है, तो मेरे भाई उसमें बताया गया है कि आप ऐसा ना हो कि स्त्री 30 साल की होगी तो 30 साल की होकर के तब शादी करे वो। यदि पहले ही उसका निर्णय हो चुका है तो 24 साल की उम्र में वो शादी कर ले। पुरुष के बारे में बताया गया कि यदि उसको शादी ही करनी है तो वो 48 साल की उम्र में कर ले। अब मुझे एक बात बताओ, जब उन्होंने कह दिया कि पूर्ण ब्रह्मचर्य की स्थिति में 48 ईयर तक आप ब्रह्मचारी रहो, तो ब्रह्मचारी रहने के बाद में अगर वो शादी करेगा तो भाई किसके साथ में करेगा वो? एक ब्रह्मचारिणी के साथ में करेगा ना, विदुषी के साथ में करेगा ना। तो विदुषी कौन है उसके लिए? तो विदुषी है भाई उसके लिए वो, जो उनसे 24 साल की अभी होकर आई है गुरुकुल से, तो उसके साथ ही करेगा ना। लेकिन अगर वो किसी विवाहिता स्त्री अथवा विधवा स्त्री से भी विवाह करना चाहता है तो उससे भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये ध्यान रखने के लिए बोला है कि जिस स्त्री से वो शादी करे वो विदुषी ही हो, ताकि उस दोनों का माइंड मैच होगे, आगे अपने जीवन को बढ़ा सकें। बस इतनी छोटी सी बात कही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत सारे मंत्र श्लोक नहीं रखूंगा आपके सामने। मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आईएएस की तैयारी करता है कोई लड़का, 40 साल की एज में उसकी लगती है नौकरी, उसके बाद में वो शादी करता है, तो आप तो लाठी डंडे लेकर उसके घर नहीं पहुंचते, तब तो नहीं पूछते भाई 48 साल तक आप क्या कर रहे थे। और ज़रूरी नहीं है कि भाई 40-42 साल तक वो बहुत ही संयमित जीवन जी रहा हो, जरूरी नहीं है कि उसने अपने जीवन में कोई भी गुल छर्रे ना उड़ाए हों। यहाँ तो स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि वेद आदि का अध्ययन करने के लिए ही आपको 48 साल की छूट दी जा रही है, नहीं तो भाई 24 साल के बाद में अपनी शादी करो और अपना गृहस्थ जीवन जियो, और उसमें भी संयमित जीवन जीना है। तो भाई क्वेश्चंस के ना थोड़ा सा पहले ना स्टडी करके और उसके बाद में थोड़ा सा अगर आप भेजोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगला इनका सवाल है कि अब देखो, इन्होंने मतलब एक प्रोवोकिंग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। थोड़ा सा ये है कि सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में स्वामी जी कहते हैं कि आसमान का जो ये नीला रंग है वो आसमान में उपस्थित पानी की वजह से है, जो बरसता है सो वो नीला दिखता है, आसमान जो है वो नीला दिखता है। तो भाई कटाक्ष तो कर दिया, अभी इस भाई का आंसर सुन लो। तो कहता है कि स्वामी जी को यह भी नहीं पता है कि आसमान का जो नीला रंग सूर्य से आने वाले प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसीय अणु से टकराने के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, और यही प्रक्रिया समुद्र के जल के साथ होती है। तो भाई ये गैस, जो गैसीय अणु की जो आप बात कर रहे हो, तो ये बता दो कि ये जो गैसीय अणु है वो हैं कौन से? वो मीथेन के हैं या प्रोपेन के हैं, ब्यूटेन के हैं, या हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या यो जो जलीय तत्व घूम रहे हैं आकाश के अंदर, ये उनका परावर्तन है। परावर्तन कहाँ से पैदा होता है ये भी हमको बता दो। और जो सामुद्रिक जल है, जो समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है, जो उसका रंग नीला है, उसके दिखने का कारण क्या है? तो आप पूरी बात को खुद ही स्पष्ट कर रहे हो कि जो वातावरण के अंदर जो गैसीय अणु है, वो गैसीय अणु एक्चुअली क्या है कि जो हमारी नमी है, जो हमारे पूरे वातावरण के अंदर जो जलीय तत्व होते हैं, वो उन्हीं का ही परावर्तन होता है, जिससे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो अभी भाई दूसरे भाई का एक क्वेश्चन है, तो वो कह रहे हैं कि आप ये थोड़ा सा बताइए, हमको श्राद्ध मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? तो भाई गीता जी तो आप सभी लोग पढ़ते होंगे, तो गीता जी में भी लिखा हुआ है कि
कि जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो मजारों को पूजते हैं वो मजारों को प्राप्त होंगे, और जो मुझे पूजेंगे मुझ सच्चिदानंद घन। भाई एक बात समझ लो कि सच्चिदानंद घन जो है ना वो कोई और नहीं है, परमपिता परमात्मा है, और श्री कृष्ण भगवान जो गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं वो उनके ही एक प्रतिरूप बन के दे रहे हैं, परमपिता परमात्मा का ही प्रतिरूप बन के दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मेरी वीडियो तैयार हो चुकी है कि वो किस प्रकार, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बोल रहे हैं कि ये दद ही धर्मस्य ग्लानिः वै उदवारत, तो अपने आप को वो रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं कि मैं ही जन्म लेता हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ और मैं ही यहाँ जन्म लेकर आया हूँ। तो लेकिन भाई गीता जी में पहले लिखा गया है कि जो मुझे जन्मता मानते हैं या जो मुझे मरा हुआ मानते हैं वो महामूर्ख हैं। तो आप गीता में सिर्फ एक श्लोक को पकड़ के मत बैठो। अभी मैं कल परसों में वो वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप पूरी पूरी वीडियो देखना कि किस प्रकार से उसमें श्राद्ध का भी खंडन किया गया है, किस प्रकार से उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि परमपिता परमात्मा जन्म लेते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जन्म लिया हुआ मुझे मानते हैं वो महामूर्ख लोग हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, हर सोमवार को हम आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कुछ आए थे, कुछ मैंने फेसबुक से उठाए हैं और इनके मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। यदि यह जवाब आपको अच्छे लगे हैं, इनसे आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, तो इनको आगे बढ़ाइए, और यदि इनमें कुछ भी कमी रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में आके मेरे को बताइए कि इसमें क्या कमी रही है। सोमवार को हम आपसी भाषा में ही बात करेंगे, कोई स्ट्रिक्ट फेस नहीं है, कोई मतलब जैसे कि मेरी वीडियोज़ रहती हैं तो वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली हम बात करेंगे, क्योंकि हमको आम भाषा की बात करनी है। हमने कहीं भी किसी से भी मिलकर बातचीत करनी पड़ जाती है, बीच लोगों में जाना पड़ता है, तो उनकी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, उनके जैसा रहना पड़ता है, उनके जैसी बातचीत करनी पड़ती है, और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना पड़ता है। तो छोटी छोटी सी लॉजिकल बातें हैं, छोटी छोटी सी वैज्ञानिक और अवैज्ञानिकता बात की बातें हैं, उन्हीं को अगर हम पकड़ लें तो भी हम बहुत सारे अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। सत्य सनातन चैनल का जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आपको छोटी छोटी जो लॉजिकल और इलॉजिकल बातें हैं उन्हीं में से आपके लिए किस प्रकार से एक सामग्री हम दे सके, ज्ञान की सामग्री, जिससे कि आप सामने वाले का सामना कर सको। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन हमेशा ध्यान रखना। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और दोस्तों अभी अभी एडिटिंग करते करते ही मुझे एक और क्वेश्चन आया है जो कि मैंने समझा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले सोमवार तक वेट करते करते एक हफ्ता गुजर जाएगा और मेरे भाई को उसका आंसर भी नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा है कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा कहा है कि सूर्य आदि ग्रहों पर भी जीवन है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि जीवन संभव हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी नहीं बताई है, उन्होंने अपनी तरफ से श्योर करके बताया है कि वहाँ पर भी जीवन है। तो ये तो एकदम गलत बात है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी गलत बात है भाई, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, कोई गाय भैंस या बकरी जीवित नहीं रह सकती तो चलता है, लेकिन अगर वहाँ कहा गया है कि जीवन है, और अगर ये भी कह दिया गया कि मनुष्य जैसे लोग भी अगर वहाँ पर हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत बात है। क्योंकि अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, अगर आप नेशनल ज्योग्राफी देखते हो, अगर आप रिसर्च में कुछ थोड़ा विश्वास रखते हो, अगर इनकी तरफ थोड़ा बहुत रुझान हो, मीन टू से आलोचनाओं से अलग अगर थोड़ा सा रिसर्च की तरफ अगर आपका ध्यान हो, तो जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं उन ज्वालामुखी के अंदर से भी जीवाणु निकलते हैं और वो पूरी तरीके से जीवित अवस्था में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ऑक्सीजन के आधार पर ही जिंदा रहें, मीन टू से मतलब हम नहीं, कोई भी जीव, जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जीवित रह जाते हैं। फिर दूसरे के कुछ ऐसे जीव हैं जो कि जो अंटार्कटिका है या अटलांटिक है वहाँ पर जीवित रहते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर जीवित रहते हैं, बाहर निकालने से वो मर जाते हैं, मछली वगैरह। तो भाई ऐसा कभी भी मत सोचो कि सिर्फ ऑक्सीजन ही एक चीज़ है जिसके आधार पर हम जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जिंदा रख सकती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप अपने आप से भी कीजिए कि पूरी दुनिया और ख़ासतौर पर आप लोग सब एलियंस को खोज रहे हैं, हम सब, तो एलियंस कहाँ रहते होंगे, क्या कहीं जीवन नहीं है? हालांकि आपका ये कहना है कि पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी जीवन नहीं है, तो आप सोचो कि क्या एलियंस नहीं है?
या फिर अगर एलियंस नहीं है तो भाई जाके ना नासा को अभी से ही बता दो, क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ डॉलर्स इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं तो जीवन है, तो उसकी खोज नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ भी कहा है तो वो अपनी तरफ से कुछ भी कपोल कल्पित कथा नहीं कही है। उसमें उन्होंने पहली प्रमाण दिए हैं कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो भी वैदिक सभ्यता में कहा गया है या जो भी वेदों में कहा गया, दर्शनों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, जो जिस भी चीज़ में उन्होंने जहाँ से भी उन्होंने वो चीज़ें उठाई हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी बनाकर उन्होंने नहीं बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद।